ये आपने गाली देने को पंजाब के कल्चर से जोड़ दिया कि यार होता है गुस्से में आके बंदा कर जाता है। अब देखो ना, मैं आपको बताता हूँ, मैं ऑन करता हूँ, मेरा एक क्लिप चला, लेकिन किसी ने ये तकलीफ नहीं की कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आया। आपने कभी सोचा वो चीज आपने नहीं चलाई, उसको आप छुपा गए। किसी बच्ची के ऊपर तशद्दुद करना, ये कहाँ का कल्चर है, ये कहाँ की इंसानियत है। और जिस वक्त मैं अगर उसको अपनी बेटी कहता हूँ या मैं बहन कहता हूँ, उसके ऊपर तशद्दुद होता और मैं चुप करता, इतना बेगैरत नहीं हूँ मैं कि मैं रिएक्ट ना करता। सबसे ज्यादा जिस चीज पर हमें लग रहा है वो यही है कि मरियम नवाज ने अपने गुंडों को भेजा है ताकि शहबाज शरीफ साहब तकरीर ना कर सकें और सारा इल्जाम हुकूमत पर लग जाए। आज जिस तरह से हुकूमत ने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया है, इससे बिल्कुल हमारी कमजोरी ना समझा जाए, लेकिन हम चाहते थे कि ये चीज पुरअमन तरीके से आगे चले और आज पूरी दुनिया ने इनके मकरूह और गुंडा चेहरे देख लिए। सबसे पहले पुलिस की तरफ से सैनिटाइजर की बोतल मारी गई और उनको जख्मी किया गया। हम पुरअमन तरीके से ये इजलास चलाना चाहते थे और हम चलाना चाहते हैं। जी नाजरीन, आज आपने दोबारा सूरत हाल देखी है कौमी असम्बली की। फुटेजेज में वाजे हो रहा है कि किस तरह से हुकूमत और अपोजिशन इंतहाई गैर संजीदगी का मुजाहरा उस ऐवान में कर रहे हैं जहां पे सबसे ज्यादा संजीदगी की जरूरत है, जहां पर कानून साजी होती है, जहां पर अवाम के मुस्तकबिल के फैसले होते हैं। लेकिन दूसरा रोज है कौमी असम्बली के इस हाल को तमाशा गाह बना दिया गया है। इसमें कसूर सिर्फ अपोजिशन का नहीं है, इसमें कसूर हुकूमत का भी है। स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से एक इकदाम उठाया गया, 7 अरकान पर पाबंदी लगाई गई, लेकिन उसके बावजूद उस पाबंदी को हवा में उड़ा दिया गया। और उसके साथ साथ आज इस्लामाबाद का मौसम तो बहुत खुशगवार था, यहाँ पर बादल बरसे हैं, लेकिन कौमी असम्बली का माहौल इंतहाई नासाजगार था, जहाँ पर बरसात तो हुई है लेकिन किताबों के बाद बोतलों की बरसात हुई है, मुगलजात की बरसात हुई है और एक दूसरे को ताने दिए गए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने कोशिश की कि एक 12 रुकनी कमेटी बना दी जाए जिसमें हुकूमत और अपोजिशन के संजीदा फिक्र शख्सियात शामिल हों और मामलात को खुश उसलूबी के साथ आगे बढ़ाया जाए, लेकिन अपोजिशन की तरफ से इसे मुस्तरद कर दिया गया है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने जो 7 नाम दिए हैं उसमें 3 नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अरकान कौमी असम्बली के हैं, 3 नाम मुस्लिम नून के हैं और 1 नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, लेकिन इन तमाम नामों में कोई वफाकी वजीर शामिल नहीं है। इन नामों में वफाकी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का नाम शामिल नहीं है, इनमें वफाकी वजीर शीरी मिजारी का नाम शामिल नहीं है, इसमें मुराद सईद का नाम शामिल नहीं है और इसमें गंडापुर साहब का नाम भी शामिल नहीं है, जिस पर तहफ़ुज़ात हैं अपोजिशन को के बुनियादी नाम ये थे और वजीर इत्तला'आत व नशरियात का नाम भी इसमें शामिल नहीं है। ये एतराजात थे अपोजिशन को कि अगर ये नाम शामिल नहीं हैं जिन्होंने उकसाया है इन गालियों पर और इन मुगलजात पर और इस हमले पर, तो फिर इन नामों का क्या फ़ायदा है। जब तक स्पीकर कौमी असम्बली वाजे और दो टोक फैसला नहीं करते उस वक्त तक उन पर एतमाद नहीं किया जाएगा। लेकिन हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अपोजिशन ने खुद कहा कि एक पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए जिसकी तरफ पेशरफ्त हुई, स्पीकर कौमी असम्बली ने ऑफर की, लेकिन अब अपोजिशन खुद अपनी इस बात से पीछे हट रही है। लेकिन नाजरीन सूरत हाल ये है कि अब बात जो है वो शायद बन नहीं पा रही, दोनों तरफ से लचक का मुजाहरा नहीं किया जा रहा। आज 2 मुजाकरात के दौर हुए, दोनों नाकाम हो गए हैं, अब कल मुजाकरात का एक और दौर शुरू होने वाला है। हुकूमत की तरफ से एक कमेटी तश्कील दे दी गई है, आला सदी कमेटी में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी शामिल हैं, परवेज खटक उस कमेटी में शामिल हैं और उसके साथ साथ दीगर अफराद को भी शामिल किया जा रहा है और हुकूमत अपोजिशन के साथ कल एक और मुशावरत करने जा रही है। इस हवाले से मजीद जो भी अपडेट्स आएंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। हुकूमत का इस सारी सूरत हाल में क्या मौकफ है, अपोजिशन इस सारी सूरत हाल को कैसे देखती है, खुद आप हुकूमत और अपोजिशन की जबानी सुनिए और मुझे इस प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। लाकर स्पीकर ने इजलास, फिर गवर्नमेंट बेंचेस की तरफ से गालियां दी गई अपोजिशन को।
लिटरली गालियां मैं आपको वीडियोस देने लगी हूँ ना। ये लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट चले, ये निजाम पर हमला करना चाहते हैं, ये स्पीकर की कुर्सी पर हमला करना चाहते हैं, किसको मारी गई थी, पार्लियामेंट पे हमला करना चाहते हैं। पहले बोतल आई, फिर बोतल आई उसके, और हमारे जाते ही शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर शुरू की और वहां से गालियां शुरू हुई, जो बाद में ये लोग कहते हैं कि जी उन्होंने गालियां दी, उन्होंने ये किया सब कुछ। हमला करते हैं पहले इस नीयत से आते हैं कि इजलास नहीं चलेगा, इस नीयत से आते हैं कि ऑपोजिशन लीडर बात नहीं करेगा, इस नीयत से आते हैं कि गालियां देंगे, इस नीयत से चाहते हैं कि पार्लियामेंट नहीं। आज जो कुछ हुआ इंतहाई काबिले मुजम्मत है। आज जिस तरह ऑपोजिशन की जानिब से सैनिटाइजर की बॉटल हकूमती रुकन अक्रम चीमा साहब को मारी गई, उससे ये साबित हुआ कि अब अपोजिशन फिजिकल वायलेंस के जरिए इजलास की कार्रवाई रोकना चाहती है। वो तरक्की का बजट है कि अपोजिशन के पास कहने के लिए कुछ नहीं, इसलिए तीसरा दिन है। अपोजिशन चाहती है कि हम हंगामा राई के जरिए, शोर शराबे के जरिए अवान की कार्रवाई को रोका जाए, और इसका तसलसल है ये उस दिन का जब पहले दिन वज़ीर आज़म इमरान खान बने और पहले ही मिनट में जिस तरह उन्होंने अपने शोर शराबा और हंगामा राई का आगाज़ किया, और आज तकरीबन 2.5 साल मुकम्मल हो चुके हैं, तीसरे साल की तरफ हम जा रहे हैं, तो ये सिलसिला जारी और सारी है। आज हालांकि एक बड़ा गुड जेस्चर स्पीकर ने दिया और अपोजिशन के राणा तनवीर साहब की तजवीज़ थी पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए, तमाम जो अपोजिशन और हकूमत में जो सियासी जमातें हैं उनके सरबराहान पे 6-6 रुकनी, ताकि वो बैठ कर एक तो इन वाक़ात का सदे बाप करें, मुजम्मत करें, और जिन जिन अराकीन ने कल और परसों इस हंगामा राई में हिस्सा लिया और वीडियोस देखकर उनको एग्जामिन करके इन्वेस्टिगेट करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन आप जानते हैं कि मैं बतौर पॉलिटिकल मिनिस्टर ऑफ स्टेट और पार्लियामेंट्री अफेयर के स्टेट अली मोहम्मद खान और अलाइज के हमारे 3 मेंबर्स हम जब अपोजिशन लॉबी में गए, लेकिन वहाँ अपोजिशन ने साफ इनकार कर दिया, उनकी मीटिंग चल रही थी, और बाद में फिर स्पीकर ऑफिस ने जब रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि हम अपने नाम नहीं भिजवाएंगे, और उसके बाद जब फिर स्पीकर आए अवान की कार्रवाई मामूल के मुताबिक चल रही थी, और उसी दौरान आपने देखा 15-20 मिनट में अपोजिशन ने एज़ यूजल पहल किए, जिस तरह कल हमारे मेम्बरान को ज़ख्मी किया आज भी उन्होंने उसी तरह किया। तो स्पीकर और हुकूमत तो चाहती है कि इस अवान की कार्रवाई को आगे चलाया जाए। अभी एक ख़त लिखा है अपोजिशन ने स्पीकर को, जो कि बड़ी सख्त लैंग्वेज है, अभी हम उनका जवाब देंगे और कल फिर कोशिश करेंगे कि अपोजिशन को एंगेज किया जाए ताकि ये अवान आगे चले, और कौम जो 2-3 दिन से सियासतदानों को देख रही है तो इस उससे सियासतदानों का इमेज अवाम की नज़र में ख़राब हो रहा है। और इसमें अपोजिशन नहीं, मैं बिल्कुल ईमानदारी से दयानतदारी से बात करता हूँ कि इसमें हमारे हकूमती अराकीन भी, चंद जो जज्बाती अराकीन हैं वो भी शामिल हैं, तो ये अक्रॉस दी बोर्ड कार्रवाई होनी चाहिए। इमरान खान से आज आपकी मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में क्या ये सारी सूरत हाल डिस्कस हुई है? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस सारी सूरत हाल को किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से टैकल करेगी हुकूमत? वज़ीर आज़म साहब चाहते हैं कि ये असम्बली चले और इसमें कानून साजी हो, बजट पर डिबेट हो, जो एक तरीकाकार है, जो मरवजा एक शेड्यूल है जो नेशनल असम्बली सेक्रेटेरिएट ने दिया है। ये जो डेड लॉक है, हकूमत को ही बिलाखिर पहल करनी है और उसके लिए हकूमत तैयार है। इतिहादियों ने एक नाम दिया है और जो हमारे इतिहादियों और बाकी उसमें शाह महमूद साहब हैं, उसमें परवेज खटक साहब हैं, उसमें असद उमर साहब हैं, शफकत महमूद साहब हैं, मैं खुद हूँ, और उसमें अली मोहम्मद हैं, तो हम सीनियर लोग ही हैं उसमें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बुलाते हैं और फिर चले जाते हैं खुद ही।